ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज से तय होगी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की पूरी तस्वीर। फिलहाल रोहित ब्रिगेड के पास है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की बंद ताली की चाबी, पर टेबल टॉपर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती नहीं होगी आसान। क्या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभालेंगे टीम की कमान, और गिल राहुल में किसे मिलेगा मौका? क्या जडेजा और बुमराह की होगी वापसी? आखिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह नजर आ सकती है भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11? इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल चुनौती रहेगी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को अपने पास रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीता और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मात दी थी। ऐसे में सीरीज की हैट्रिक लगाने के फिराक में इस बार टीम इंडिया फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। 9 फरवरी से शुरू हो रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ में क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें, भारत के लिए इस सीरीज के मायने काफी ज्यादा हैं। फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया का रास्ता ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ही तय होना है। अगर भारत घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होती है तो भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे फाइनल में जगह पक्की कर लेगी और ऑस्ट्रेलिया से ही भिड़ंत होने का टिकट भी टीम इंडिया को मिल जाएगा। लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट के सामने कई सवाल मंडरा रहे हैं। फिलहाल रोहित शर्मा इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए रोहित का पूरी तरह फिट होना काफी अहमियत रखेगा। इसके अलावा पिछले एक साल में केएल राहुल ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को निराश किया है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा की वापसी होती है तो सबसे पहले केएल राहुल का ही पत्ता टीम से कटने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की फिटनेस पर भी सभी की नजरें होंगी। अगर सभी प्रमुख खिलाड़ी पूरी तरह फिट रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होते हैं तो उस केस में रोहित शर्मा के साथ युवा गिल पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। जबकि इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से टेस्ट करियर की शुरुआत की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी गेंदबाजी के सामने उनका भी असल इम्तिहान रहने वाला है। वहीं पर ऋषभ पंत के ऊपर भी टीम काफी निर्भर करेगी। हालिया समय में टेस्ट क्रिकेट में पंत का इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनसे वैसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के वापस आने से टीम में संतुलन और मजबूती दोनों का इजाफा हो जाएगा। जबकि अश्विन ने भी बांग्लादेश दौरे पर अपनी ऑलराउंड वाली काबिलियत साबित की है। वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वहीं मोहम्मद सिराज तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अगर नागपुर टेस्ट मैच की विकेट स्पिन फ्रेंडली होती है तो वहां तीसरे स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव की भी प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए किस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम को उतरना चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।